सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू गेमिंग न्यूज़ एपिसोड। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे गेम्स के रिलेटेड अपडेट्स लेके आया हूँ, जैसे कि फायर क्राई 6, ट्रेविल मे क्राई मोबाइल, फोर्टनाइट, फ्री फायर, अनचैंटेड 4, ऐसे बहुत सारे गेम्स के मैं आज आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले अपडेट की तरफ। सो गाइज, हमारा पहला अपडेट निकल के आता है यूबी सॉफ्ट की तरफ से। सो गाइज, फाइनली यूबी सॉफ्ट ने फायर क्राई 6 की लॉन्च डेट रिवील कर दी। ये गेम 7 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है और इसके साथ में यूबी सॉफ्ट ने इसका गेम प्ले और ट्रेलर भी रिवील कर दिया है। इसका गेम प्ले और ट्रेलर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस बार फायर क्राई 6 में बहुत सारे आपको नए नए गन्स मिल जाएंगे और इसके ग्राफिक्स भी इस बार इम्प्रूव कर दिए। सो गाइज, आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। सो गाइज, हमारा अगला अपडेट निकल के आता है डेविल मे क्राई मोबाइल की तरफ से। ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि डेविल मे क्राई मोबाइल 11 जून को लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो इंडिया में नहीं चाइना में लॉन्च होने वाला है। अगर वो एक बार चाइना में लॉन्च हो गया तो जल्दी वो ग्लोबल वर्जन में लॉन्च हो जाएगा। और इस गेम के सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो ग्राफिक्स है, आपको जैसे कंसोल और पीसी में मिलते हैं वैसे भी ग्राफिक्स आपको मोबाइल में भी मिलेंगे। वैसे सेम एनिमीज, सेम फाइटिंग स्ट्रैटेजी, आपको इस गेम में बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये गेम भी पसंद आएगा और ये गेम जल्दी इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। सो गाइज, हमारा अगला अपडेट निकल के आता है फोर्टनाइट की तरफ से। सो गाइज, जैसे कि फोर्टनाइट हमें हमेशा ही सरप्राइज देते रहता है, इस बार भी फोर्टनाइट हमारे लिए एक नया सरप्राइज लेके आए। इस बार फोर्टनाइट में मिस्टबर्न के साथ कोलैप्स कर लिया है। इसका मतलब इस बार मिस्टबर्न का जो सीरीज है, बुक सीरीज, उसके अंदर जैसे कैरेक्टर होते हैं जैसे कि मास, उसका नया कॉस्ट्यूम, वैसे अभी फोर्टनाइट में आने वाला है। तो आप सभी लोग इसे स्टोर से परचेस कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग फोर्टनाइट खेलते हैं या फिर नहीं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, हमारा अगला अपडेट निकल के आता है हॉरिजन फॉरबिडन वेस्ट की तरफ से। सो फाइनली इसका PS5 का गेम प्ले रिवील हो गया है और इस बार इसके ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल कर दिए। फ्रेंड्स, इसके ग्राफिक्स बहुत ही ओपी कर दिए। और इसका अगर आपने अब तक गेम प्ले नहीं देखा है तो मैं आपके लिए इसके गेम प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से इसे देख सकते हैं। और इसके साथ में इस गेम में आपको नए नए लोकेशंस भी मिलने वाले हैं इस बार। सो गाइज, इस बार ये गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो गाइज, आपको ये अपडेट कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चलिए बढ़ते हैं अभी अगले अपडेट की तरफ। सो गाइज, हमारा अगला अपडेट निकल के आता है इंचेंटेड 4 के लिए। सो गाइज, ऐसे न्यूज़ निकल के आई कि इंचेंटेड 4 बहुत जल्दी पीसी के लिए लॉन्च होने वाला है, क्योंकि पीसी के ऊपर गेमिंग की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए अभी इंचेंटेड 4 पीसी के लिए भी जल्दी अवेलेबल होने वाला है। क्या आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। सो गाइज़, हमारा अगला अपडेट निकल के आता है फ्री फायर की तरफ से। सो गाइज़, फ्री फायर में अभी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ का इवेंट कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमें बहुत सारे गिफ्ट मिले। उनमें से आपको कौन सा गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे फ्री फायर मिक्लेरन के साथ कोलैब करने वाला है, जिसका मतलब ये है कि अभी गेम में आपको बहुत सारे नए नए व्हीकल्स मिल सकते हैं। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आप फ्री फायर खेलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो ज़रूर खेलता हूँ। सो गाइज़, चले बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। सो गाइज, जो हमारा अगला अपडेट है वो मोबाइल गेमर्स के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अभी प्लेस्टेशन मोबाइल गेम्स के ऊपर फोकस करने वाला है, क्योंकि मोबाइल गेम्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। इसके लिए अभी सोनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत जल्दी मोबाइल के लिए गेम्स बनाने वाली है। तो आपको तो अभी पता ही है कि अगर सोनी गेम्स बनाएगा तो उसके ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन किस लेवल की होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये अपडेट कैसे लगी। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को ये अपडेट्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। सो गाइज, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।